दिल्ली जिसका इतिहास कई हजार साल पुराना है, आज के समय में दिल्ली के कुछ खूबसूरत और रिहायशी स्थान जिनके बारे में लोगों को आज तक पता नहीं चल पाया है कि यह कब और किसने बसाया है। हालांकि दिल्ली को महाभारत से भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि यह पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के नाम से हुआ करती थी, लेकिन इसकी असली सच्चाई क्या है, क्या वाकई में यहाँ पांडवों ने अपना राज किया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन व इसका इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। भारत का पुरातन इतिहास हमारी धार्मिक पुस्तकों, पुराणों आदि में वर्णित है, किंतु दुर्भाग्य से इससे संबंधित साक्ष्य या तो धरती में दबकर रह गए या फिर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए गए। नतीजतन हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को ही झुटला दिया गया। परंतु जब जब धरती की परतों को उधेड़ा गया तो वहां प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते रहे। इसलिए अब भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली के पुराने किले में महाभारत कालीन पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ की तलाश में जुटा है। दरअसल कहा जाता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली ही है। आम धारणा के मुताबिक दिल्ली को 7 बार बसाया जा चुका है, लेकिन एएसआई के शोधकर्ताओं का मानना है इसे करीब 12 बार बसाया गया है। इसलिए खुदाई पुराने किले के उस स्थान पर हो रही है जहां से अब तक सबसे ज्यादा ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। दरअसल 300 एकड़ में फैले इस पुराने किले में 1954 से लेकर अब तक 4 बार खुदाई हो चुकी है, जिसमें मुगल काल, सल्तनत काल, राजपूत काल और मौर्य काल के सबूत मिल चुके हैं। पुरातन विभाग को पूरी उम्मीद है कि यहां 5000 साल पुरानी महाभारत काल के भी सबूत मिल सकते हैं। दिल्ली के पुराने किले में पहली बार 1954 में खुदाई की गई तो लगभग 2100 साल पुराने सुरंग और कुषाण काल के अवशेष पाए गए थे। इसके बाद साल 1969 और 1973 में किले के एक खास हिस्से में खुदाई की गई, जिसमें 8 कालखंडों के सभ्यता के अवशेष मिले। यहां पर 2017 में की गई खुदाई में तांबे के सिक्के भी मिले। अब तक की खुदाई में जो भी चीजें मिली हैं, उनका जिक्र महाभारत से जुड़ी कहानियों में है। यहां खुदाई में प्राप्त बर्तन, टेराकोटा के खिलौने और मूर्तियों का संबंध भी महाभारत काल से बताया जाता है। खुदाई में बर्तनों के जिस तरह के अवशेष मिले हैं, उसी तरह के बर्तनों के अवशेष महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। इसके अलावा कई शोधकर्ताओं का मानना था कि पुराना किला इंद्रप्रस्थ की जगह बनाया गया है। शमशेर सिराज अफीक की किताब तारीख ए फिरोज शाही तथा बौद्ध स्रोतों में भी इंद्रप्रस्थ का जिक्र है। इन तथ्यों से इस बात को बल मिला है कि यह वही प्राचीन किला है जिसे इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने बनवाया था। आधुनिक दिल्ली विकास की भेंट चढ़ने के कारण इंद्रप्रस्थ के पुराने अवशेष भी दिखाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों, यही थी इंद्रप्रस्थ की सच्चाई। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।